हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्रफी ग्रुप इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th एस एस सोशल साइंस वर्कशीट नंबर सेवेंटी फोर आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर में हम इंडिया के सिक्स फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ यूर क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके ज्योग्राफी का सबसे चैप्टर है

जो तीन ओर से पानी से घिरा उसे क्या कहते हैं इट इज नॉन एज द पेनिनसुला जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें अपने ही साउथ पार्ट को अगर हम देखें दैट टू इज बाउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड तो यहां पे क्या है अरेबियन सी हियर इज द बे ओपेंगोल और यहां पर इंडियन ओशन तो ये क्या है दिस पार्ट इज नॉन एज द पेनिनसुला इंडिया ओके इसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत ओके okay. तो पेनिनसुला क्या होता है अ बाउंडेड सी ऑन द थ्री साइड उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला लैंड मार्स बाउंडेड बाई द साइड उसको क्या बोलते हैं दैट इज एज ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमें बताना है दिस इज कंचनजंगा हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज माउंट एवरेस्ट लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में सिक्किम में यहां पर हम इसको लोकेट कर सकते हैं सिक्किम में कंचनजंगा है एंड दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया इसकी टोटल जो हाइट है वो 8598 मीटर है नाउ लेट्स टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है पंजाब हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज रिवर यानी कि इंडस और सतलुज के बीच में अगर हम नॉर्थ की बात करें थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ऑरिजिनेट होते है सिंधु रिवर इंडस रिवर और यहाँ से निकलती है सतलुज रिवर सो द एरिया द हिमालय बिटवीन द सिंधु रिवर एंड द सतलुज रिवर इंडस एंड द सतलुज रिवर इज नोन एज द पंजाब हिमालय इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन द हाइस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज हाइएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट बतानी है सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न घाट की दैट इज महद्रा गिरी एंड द टोटल जो हाइट रहेगी दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड वन मीटर ओके नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है स्टेट ट्रू फॉल्स हमें बताना है मोस्ट एलुअल सॉयल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ट्रू दैट्स ट्रू क्योंकि जात्र जो एलुअल uh, सॉयल है वह दो रीजन में मिलती है हमारे देश में नॉर्दर्न प्लेन एंड इन द कोस्टल प्लेन तो जार क्योंकि द साइज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है वो काफी ज्यादा है कोस्टल प्लेन से तो यहां पर यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू है उसके बाद सिक्स क्वेश्चन दिया गया सिक्स वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ यानी कि यह सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है वट टाइप ऑफ रोक द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन हिमालय माउंटेन के सेंट्रल पार्ट जो है वो किस टाइप की रॉक से बने हुए अगर हम हिमालय को देखें हिमालय इज इन द शेप हाक होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाप चाप के आकार में ओके इट इज इन द शेप लाइक दैट इस टाइप से हिमालय सो देर आर द थ्री पेल सीरीज यहां पर बात करें ये जो सेंट्रल पार्ट की सेंट्रल पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट सेल्स जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं, उनसे बना हुआ ये। ओके, तो यहां ये है, दैट इज नोन एज द हिमाद्री ओके एंड सेंट्रल जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय और द लेसर हिमालय और द मिडल हिमालय और जो आउटर पार्ट है दैट इज नोन एज द आउटर हिमालय और द शिवालिक ओके हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं दिस वन इज द नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल हिमालय और द हिमाचल हिमालय दिस वन इज द आउटर हिमालय और द दिवालिक यहां से रिलेटेड है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री तो दिस वन इज द हिमाद्री यानी जो हमेशा हिम से यानी कि स्नो कवर्ड रहता है उसके साउथ में कौन सा तो ये है सेंट्रल हिमालय भी लिख सकते हो एंड यू कैन राइट द हिमाचल हिमालय नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन हिमालय का कौन सा रीजन है जो हिल स्टेशन के लिए फेमस है सो द सेकेंड जो पार्ट है हिमालय का दिस वन सीरीज मिडल जो हिमालय हिमाचल हिमालय दिस वन इज वेल well नोन फॉर हिल स्टेशन शिमला देहरादून नैनीताल ये सभी के सभी इस मिडल हिमालय का पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा वट इज कंप्रेस्ड रॉक्स कंप्रेस्ड रॉक्स क्या होती है इसको हिंदी बोलते हैं संपीडित संपीड़ित क्या होती है कंप्रेस्ड रॉक्स फॉर्म वेन टू प्लेट्स को लाइट जब दो प्लेट टकराती है तो जो कंप्रेस्ड रॉक्स है वो बनती है द हिमालयन माउंटेन वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय दिस प्रोसेस हिमालय भी इसी टाइप से बना हुआ है तो यहां पे ये यह देखिए कि यहां से एक तरफ से फोर्स किया जा रहा है और इस साइड से भी दो प्लेटें वो टकरा रही है तो बीच में ऐसे कंप्रेशन आ जाता है लाइक like दैट संपीड़ित हो गए ना कंप्रेस्ड हो गया तो इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड रॉक्स जो हिमालय बना है वो दो प्लेटों के टकराने से बना है फर्स्ट वन इज द यूरेशिया प्लेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड इंडो ऑस्ट्रेलिय प्लेट फ्रॉम द साउथ जो बीच में टेथिस सी था उसके जो कंकर पत्थर थे वो संपीडित हो गए कंप्रेस्ड हो गए और हिमालय बन गया नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बरकान्स बरकान्स इसको बरखान भी कह सकते हैं बरखान और द बर्कान ज ए क्रिशेंट शेप सेंड्यून होते हैं ये क्रिशंट के यानी कि अर्ध चंद्राकार टाइप के रेत के टीले होते हैं जैसा कि आप राजस्थान में देखते हो यहाँ पे भी विजिबल है बरखांस ओके यानी कि कैसे बनेंगे लाइक like दैट इस टाइप से आप इनका डायग्राम बना सकते हो और इसको आप शो कर सकते हो दीज आर दर्खांस नाउ लेट्स मू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा वाई इज द नॉर्दन प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे काफ़ी ज्यादा पॉपुलेशन है क्यों है ये हमें बताना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्री और द फाइव मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेट क्लाइमेट इज वेरी सुटेबल ना उधर टू हॉट और टू कोल्ड ना तो ज्यादा ठंडी ना ही ज्यादा गर्म है तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है सेकेंड फर्टाइल सॉयल द सॉयल फाउंड इन दिस नॉर्दन प्लेन इज द एलवल सॉयल एंड दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉयल बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है थर्ड वाटर हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन हजारों सैकड़ों नदियां यहाँ से बहती है एंड ऑल द रिवर्स आर पेरेनियल पेरेनियल होती है जो पूरे साल बहती है डेवलप्ड एग्रीकल्चर ड्यू टू द फर्टाइल सॉयल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन इस रीजन में एग्रीकल्चर है वो भी काफी विकसित है और फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम देर इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोडवेज एज वेल एज जो रेलवेज यानी दोनों का भी घना जाल बिछा हुआ है तो इसके कारण सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है इसलिए ये रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है नाइन्थ क्वेश्चन है वन इज इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन टू अस ये हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वट आर द एडवांटेज ऑफ हिमालय हिमालय के लाभ क्या है तो आप काफी कुछ वैसे भी लिख सकते हो आई एम हेयर मेंसनिंग जस्ट फोर जो आपने एडवांटेज है इंपॉर्टेंस है वो मैंशन करा हियर द हिमालय इज अफेक्ट आर क्लाइमेट मेनली बिकॉज ऑफ इट मानसून रेन आकर्षण इंडिया सबसे पहले ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है हिमालय इज़ वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द रेन बारिश जो आती है वो हिमालय के कारण आती है अदरवाइज जैसे राजस्थान में है अरावली इज देयर बट अरावली इज अनेबल टू क्रिएट ए बेरियर बेरियर नहीं बन पाता मानसून में तो वहाँ पर सूखा रह जाता है ऐसा इंडिया में होता है अगर हिमालय नहीं होता तो सो so, हिमालय कोज रेनफॉल इन इंडिया ओके okay. वर्किंग एज ए बैरियर बैरियर की तरह काम करता है सेकेंड हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड है उसको भी रोकता है अगर हिमालय नहीं होता तो जैसी हम ठंड अब महसूस करें शायद उससे कई गुना ज्यादा ठंड होती और वो भी कई महीनों के लिए ओके वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स फ्रॉम द हिमालय काफी सारी हर्ब्स हमें मिलती है हर्ब्स मीन जड़ी बूटियां हमें मिलती है द हिमालय इज द सोर्स ऑफ द पेरेनियल रिवर्स पेरेनियल होता है जो पूरे साल बहती है हिंदी में बोलते हैं सदावाहिनी सो इट इज द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स टू सो इनडायरेक्टली हमारी एग्रीकल्चर में भी हेल्प करा है सो दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ हिमालय टू अस नाउ लेट्स मोटू द टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन इज डिस्टिंगस बिटवीन द रिलीफ फीचर्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड द पेनसुलर प्लेट्यू पेनिसुलर प्लेट्यू हिमालयन रीजन है उसमें डिफ्रेंशिएट करना हमें अंतर बताने ओके okay, यहाँ के रिलीफ फीचर्स में फर्स्ट है द हिमालया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया वाइल द पेनिंसुलर प्लेटिव इज टू द साउथ ऑफ इंडिया हिमालय नॉर्थ में जबकि पेनिस्लर प्लेटि द साउथ ऑफ इंडिया द हिमालय इज इन द शेप ऑफ एन आक आंक शेप में चाप के आकार में ना वाइल दिनर प्लेटिव इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल के शेप में ऑलमोस्ट ट्राइंगल की शेप में लाइक दैट ओके थर्ड डिफरेंस द हिमालय कैन बी डिवाइड टू थ्री पार्ट इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हिमाद्री हिमाचल एंड द शिवालिक हिमालय द पेनिसुला प्लेट्यू की बात करें हैज ओनली टू मेन पार्ट्स द मिडल हाईलैंड एंड सेकेंड वन इज द डेकन प्लेट्यू यानी कि इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं द मिडल हाईलैंड और सेकेंड वन द डेकन प्लेट्यू फोर्थ जो डिफ्रेंस रहेगा द हिमालय हैव ए हायर एल्टीट्यूड विद द हाइस्ट पीक बींग माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की ऊंचाई वो ज़्यादा है हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इज द हाइट वाइल द पेनसुलर प्लेट्यू हैज ए लोअर एलिवेशन लोअर एल्टीट्यूड ऊंचाई कम है पेनिसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ की है अनाई मोडी ट्वेंटी मीटर जो काफ़ी कम है कंपेरिजन अगर माउंट एवरेस्ट से करें तो फिफ्थ डिफ्रेंस रहेगा द पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ वो पेरेनियल्स हैं यानी कि थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है वाइल मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनसुलर प्लेट्यू आर द सीजनल जबकि पेनसुलर प्लेट्यू की मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो सीजनल है मौसमी नदियां बारिश के दिनों में पानी आता है उस बाकी के दिनों में वो सूख जाती है दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट हम ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं आपका मैप वर्क भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप प्ले में जाइए और प्ले में आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो क्लास नाइन टेंथ वर्क में आपको वर्क का सॉल्यूशन मिलेगा जबकि क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ठीक से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय बाय है नाइस डे